नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कॉलेज संचालक पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। सैपो थाना इलाके में 3 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बाइक सवारों ने कार में अपने साथी के साथ जा रहे श्री भगवान कॉलेज संचालक विनय तिवारी पर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे कॉलेज संचालक की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। कॉलेज संचालक विनय तिवारी ने बताया कि वह तहसील कार्यालय से एक अपने खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री के कागजात लेकर आ रहे थे, तभी बाइक सवार बबलू परमार, श्याम परमार और उनके अन्य परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने कार के आगे बाइक लगाकर गाड़ी को रोक लिया और पत्थर डंडों से हमला कर गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। वहीं गले से सोने की चेन व 2 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला दर्ज कराया है। घटना के कुछ घंटों के बाद हमलावर आरोपी पुलिस थाने में कुर्सियों पर बैठे नजर आए तो कॉलेज संचालक द्वारा ऐतराज जताया और बताया, जहां हमलावर आरोपी ही पुलिस थाने में कुर्सियों पर बैठे हो तो आम जन को कैसे न्याय मिलेगा। जब इसकी शिकायत कार्यवाहक थाना प्रभारी से की तो पुलिस ने 2 हमलावरों को हवालात में बंद कर दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मैंने आज एक रजिस्ट्री सैबू तहसील में कराई थी और रजिस्ट्री करा के जैसे ही मैं सैबू गेट से निकला, मेरा साथ में एक दोस्त बैठा हुआ था मेरी कार में, हम जैसे निकले तो 5-7 लोग डब्लू और श्यामू जीतू 3 और अन्य 4-5-7 लोग थे, 2-3 मोटरसाइकिलों पर आए, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी में तोड़फोड़ की, गाड़ी के कांच फोड़ दिए, मेरी जंजीर चैन गले में से चैन छीन ली और 2 लाख रुपए पड़े हुए थे पीछे डैशबोर्ड पर, वो कांच फोड़ के 2 लाख के बैग को निकाल के ले गए। कलेक्टर के ही आदेश की पालना नहीं कर रहे आयुक्त। फर्जी तरीके से बीपीएल का लाभ लेती रही महिला और उसका परिवार। जांच में मामला खुला तो कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के आदेश। राजकोष का पैसा फर्जी तरीके से डकारने वाले के खिलाफ गंभीरता नहीं दिखा रहे अधिकारी। यूं तो प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को पारदर्शी शासन देने की बात कहती है, लेकिन धौलपुर में उनके ही अधिकारी राजकोष को लेकर गंभीर नहीं है। स्थिति यह है कि वे जिला कलेक्टर तक के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, जिससे फर्जीबाड़ा करने वालों के हौसले बुलंद हैं। आश्चर्य की बात तो देखिए कि एक महिला और उसका परिवार फर्जी तरीके से कई सालों तक बीपीएल का लाभ लेता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। फर्जीवाड़े के इस मामले की जानकारी धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को लगी तो उन्होंने नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त को राजकोष को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, साथ ही 7 दिवस में कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। लेकिन कलेक्टर के आदेश देने के 18 दिन बाद भी आयुक्त ने अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। मामला यूं है कि अंगूरी देवी पत्नी भीकम सिंह निवासी कचहरी गली धौलपुर ने फर्जी तरीके से खुद का बीपीएल राशन कार्ड बनवा रखा था, जिसे अंगूरी देवी और उसका परिवार फर्जी तरीके से बीपीएल का लाभ ले रहा था। जब इस मामले की भनक धौलपुर जिला कलेक्टर को लगी तो उन्होंने एसडीएम से जांच कराई, जिसमें सामने आया कि अंगूरी देवी बीपीएल श्रेणी में शामिल होने की पात्रता नहीं रखती तथा यह बीपीएल का गलत तरीके से लाभ ले रही हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 9 फरवरी 2023 को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त को एक लिखित आदेश जारी किया, जिसमें फर्जी तरीके से बीपीएल का लाभ लेने वाली अंगूरी देवी के खिलाफ
राजकोष को क्षति पहुंचाकर लाभ प्राप्त करने के कारण क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली करने तथा FIR दर्ज कराने तथा विधि समेत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने आयुक्त को 7 दिन में कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। लेकिन पूरे मामले में आश्चर्य की बात यह है कि कलेक्टर को आदेश दिए हुए 18 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आयुक्त की ओर से फर्जीवाड़ा करने वाली महिला अंगूरी देवी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आयुक्त की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस मामले में फोन पर नगर परिषद आयुक्त से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट में तारीख पर आया हूं, कल आकर मामला देखता हूं। दो पुलिसकर्मियों का अपहरण करने का इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस एवं DST टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश वर्ष 2019 में सागरपाड़ा पुलिस चौकी से 2 कांस्टेबल के अपहरण कर मारपीट एवं हत्या के प्रयास के आरोप में 4 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को जंगजीत हॉस्पिटल GT रोड धौलपुर से गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि कोतवाली टीम व DST ने सूचना पर कार्यवाही करते हुए जगजीत होटल के सामने रिंग रोड से इनामी बदमाश नरेश पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी गांव पिपरई थाना सराय छोला जिला मुरैना को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर को जब्त किया है। इनामी बदमाश से गहनता से पूछताछ की जा रही है। विधानसभा का घेराव करेगा भाजपा युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 4 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भाजपा के जिला कार्यालय धौलपुर पर किया गया, जिसमें रात्रि चौपाल, मंडल स्तर पर बाइक रैली एवं विधानसभा घेराव पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना तैयार की गई। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और विस्तार पूर्वक योजनाओं को सफल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, विधानसभा प्रभारी धौलपुर वेद प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह राजौरिया, संभाग विस्तारक राजवीर सिंह राजापत, विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सुखराम कोहली, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला सह संयोजक नवमतदाता पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष शुभम परमार, महावीर व्यास महामंत्री आदि उपस्थित रहे। सर, आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा BJP धौलपुर के तत्वाधान में 4 तारीख को जो विधानसभा का विशाल घेराव किया जा रहा है, उससे संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी और ये कार्य योजना पूरी बनाई गई। जिस तरह से गहलोत सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उससे युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है, उसको लेकर के 4 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें 19 मंडल है हमारे, 19 मंडल से 100-100 कार्यकर्ता यहाँ से लक्ष्य रखा गया है और विधानसभा के लिए 4 तारीख को घेरने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, वंदे मातरम साथियों, आज जिला कार्यालय धौलपुर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक की गई, जिसमें आगामी 4 तारीख को विधानसभा का जो घेराव होना है उसके लिए तैयारियाँ की गई। हम धौलपुर में गाँव जाएंगे, चौपाल करेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, कोचिंगों में जाएंगे, लाइब्रेरियों में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से संपर्क करेंगे। जो रीट में घोटाले हुए, जो युवाओं के साथ अत्याचार किए गए, युवाओं के साथ छलावा किया गया, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगा गया, इस तरह की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को घेरने का काम करेंगे आने वाली 4 तारीख को विधानसभा घेराव के माध्यम से। और हम लोग यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में युवा कार्यकर्ता सब लोग विधानसभा घेराव को 4 तारीख को पहुँचे। सर, आज की इस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि 4 तारीख को प्रदेश भर में युवाओं के द्वारा
युवा आक्रोश महासम्मेलन प्रदर्शन विधानसभा को घेरने के लिए किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है वो भी आपको पता है कि प्रदेश भर में करीब 20 परीक्षाएं की गई और उनके पेपर लीक किए गए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और हर बार जैसा कि गहलोत जी ने और कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ वादा करके इस सत्ता पे काबिज होने का काम किया और उसके बाद एक के बाद एक धोखा देने का काम मेरे प्रदेश के युवाओं को के साथ किया गया, उनके भविष्य से खिलवाड़ की गई। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ, अलग अलग सामान पर 5-50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें सेवन हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। अब आपके जाने पहचाने हुए भरोसेमंद आयुष्मान अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपेंडिक्स, पित्त की थैली में पथरी, शरीर में मवाद, गांठ, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशन व नन्हे मुंडे बच्चों का इलाज निशुल्क। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में वार्षिक उत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में सोमवार को सुबह 11 बजे से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर रहे और मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वी राजस्थान की अग्रवाल महिला सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, बच्चू सरपंच निधारा बंटू कंसाना रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा द्वारा की गई। इसके अलावा मंच पर छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, छात्र संघ उपाध्यक्ष मोशना पठान, छात्र संघ महासचिव कुलभूषण, छात्र संघ सचिव दीप्ति वर्मा मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती व विवेकानंद जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया गया, साथ ही अतिथियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान ही 200 मीटर और 500 मीटर छात्रा व छात्र दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वालों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में फर्स्ट ट्रैक के बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान को भी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व हार माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने भारत को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले नारी शक्ति को मजबूत बनना होगा उस पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद के होशियार सिंह मीणा ने विद्यार्थी परिषद की रीति नीति को बताते हुए विश्व का सबसे बड़ा संगठन बताया और कहा एवीवीपी सदैव छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करने में सदैव तत्पर रहता है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर प्राचार्य धर्मेंद्र मीणा द्वारा छात्र हित में बोलने के लिए कहा गया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने कहा कि युवा देश के भविष्य है, देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा से युवाओं और देश का विकास संभव है, इसलिए समय और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने सभी अतिथियों का महाविद्यालय स्टाफ और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाने वाले सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम का मंच संचालन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक अनिल गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व वर्तमान एबीवीपी की छात्रा जिला संयोजक काजल परमार, प्रांतीय सदस्य समृद्ध गुर्जर, नगर अध्यक्ष ऋषभ, सतीश यादव, राहुल कौशल, ओमवीर अंदाना और कॉलेज प्रशासन से प्राचार्य धर्मेंद्र मीणा आदि उपस्थित रहे। विद्या पढ़ी जी बहुत पढ़ी लिखी आई, अंग्रेजी से एमए है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी है, और अपने बच्चों को वो खुद पढ़ाती है। बच्चे बड़े होशियार है, इसलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, भारतीय संस्कृति से परिचित हों कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तब आपके अंदर अच्छा आचरण आएगा। क्योंकि एक माँ शिक्षा भी देती है और एक पिता शास्त्र का काम करता है। माता जो है शास्त्र का काम करती है और पिता शास्त्र का काम करता है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी। आज महाविद्यालय के अंतर्गत एक वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम साथियों, युवा साथियों, बहनों एवं अतिथियों एवं पत्रकार बंधुओं एवं कॉलेज स्टाफ सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार एवं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, जिस तरीके से मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है, हमेशा संघर्षशील रहिए। छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके सामने, ऐसा तो कोई बड़ा वो नहीं हूँ, एक आपकी तरह एक छोटा सा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दी और छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। मेरा कर्तव्य था आपकी आवाज़ को बुलंद करना। छात्रों के जहाँ भी आनंद हो वहाँ खड़ा मिलेगा आपका अपना। जुआरियों को जुआ राशि व जुआ उपकरण के साथ किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग जगह पर कार्यवाही करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10,280 रुपए जुआ राशि व जुआ उपकरण बरामद किए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए गुरुद्वारा गांव के सरकारी स्कूल के पास रोड के सहारे जुआ खेलते हुए विक्रम पुत्र महेश जाटव, उम्र 22 साल निवासी किरी मोहल्ला थाना बाड़ी कोतवाली, दीवान सिंह पुत्र पूरन सिंह जाटव, उम्र 28 साल निवासी किरी मोहल्ला थाना बाड़ी कोतवाली, राधेश्याम पुत्र रामजीलाल जाटव, उम्र 50 साल निवासी किरी मोहल्ला थाना बाड़ी कोतवाली, सुमन पुत्र कुलमान सिंह ठाकुर, उम्र 24 साल निवासी किरी मोहल्ला थाना बाड़ी कोतवाली को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10,280 रुपए जुआ राशि व उपकरण बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। गो तस्करों के चंगुल से 12 गो वंशों को कराया मुक्त। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर सनोरा गांव के जंगल से एक ट्रक में ठूस ठूस कर भरे 12 गोवंश को मुक्त कराया है। गो तस्करों के खिलाफ गोवंश अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज कर फरार गो तस्करों की तलाश की जा रही है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि बीती रात को मुखबिर की सूचना पर सनोरा गांव के जंगल में बूचड़ खाने में ले जाने के लिए एक ट्रक में निर्दयी पूर्वक ठूस ठूस कर 12 गोवंश, बछड़े और सांड भरे हुए थे, जिन्हें मुक्त कराया है। वहीं गो तस्कर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुक्त कराए गए 12 गोवंश, बछड़े,
सांड को बाड़ी धौलपुर रोड पर परशुराम गौशाला में अस्थायी सपुर्द किया गया है। अज्ञात गो तस्करों व ट्रक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज कर मौके से फरार हुए गो तस्करों की तलाश की जा रही है। वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को भी किया गिरफ्तार। 104 जननी एम्बुलेंस को छीनने का मामला। बड़ी शहर के हॉस्पिटल के पास शुक्रवार 24 फरवरी को दिन में करीब 3 बजे मरीज को अस्पताल करने आए जननी सुरक्षा योजना में लगी 104 एम्बुलेंस के चालक से अपाची बाइक पर आए 3 लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चालक को गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाला और गाड़ी के मोबाइल और चाबी छीनकर आरोपी 104 एम्बुलेंस को लेकर फरार हो गए। बाद में मुख्य आरोपी ने बसेड़ी से आई दूसरी 104 एम्बुलेंस को भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस के पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को दिन में 4 बजे जयपुर 104 एम्बुलेंस ऑफिस से फोन आया कि उनकी एक गाड़ी को कोई अज्ञात लोग लूट कर ले गए हैं। इस पर मामले की जांच की गई और गाड़ी चालक ब्रजभूषण शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कार्यवाही के दौरान जहां 104 एम्बुलेंस को कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा के पास बने विद्याराम के अड्डे से बरामद कर लिया, वहीं मुख्य आरोपी महेश गुर्जर पुत्र रघुवीर गुर्जर दूसरी वारदात करने के दौरान अस्पताल के पास से पुलिस के हाथ लग गया। घटना में लिप्त दूसरे आरोपी राजकुमार उर्फ पिंकी पुत्र दीवान सिंह भगेला को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार की शाम गिरफ्तार किया है, जिसमें वारदात में शामिल अपाची बाइक, लूट का मोबाइल और 104 की चाबी बरामद की। मुख्य आरोपी महेश गुर्जर पीसी रिमांड पर चल रहा है और घटना में एक और आरोपी शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही है। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर न्यायालय परिसर से शुरू किया गया जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। अभिभाषक संघ के महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता साथी जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई तथा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है और पिछले 20 फरवरी से अधिवक्ता कलम बंद हड़ताल पर है और जब तक यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इससे पूर्व धौलपुर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और सरकार से मांग की कि वे इस एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करें। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव, इरशाद खान, अमित कमठान, अशोक अग्रवाल, विद्याराम विधोड़ी, हरिशंकर मुदगल, रामदीन गुर्जर, द्वारका प्रसाद गुर्जर, विमल शर्मा, ओमवीर गुर्जर, अशोक दिवाकर, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ऋषि शर्मा, राजेश वर्मा, मुरारी लाल व नथीलाल शर्मा उपस्थित रहे। पूरे राजस्थान में जो हमारे जोधपुर के अधिवक्ता से जुगराज सिंह चौहान उनकी हत्या को लेकर एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पास करने के लिए एक्सेसिव पास किया जाए, उसको पूरे राजस्थान में हड़ताल चल रही है, उसी को लेकर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा भी हड़ताल की गई, बाइक भी निकाली गई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि जल्द ठीक से शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर।
बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर। पैसों की नो टेंशन, आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक में सरकार से मांग रखने का लिया निर्णय। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन SN कॉलेज धौलपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय मोहन सिंह सिकरवार ने की। मुख्य अतिथि महेश चंद्र शर्मा संभाग भरतपुर, विशिष्ट अतिथि रमा शंकर शर्मा, देवेश प्रसाद शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बैठक की रूपरेखा सभी के समक्ष रखते हुए सभी विषयों पर गहन विचार के बाद सरकार से मांग रखना तय किया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र से शीघ्र किए जाए। द्वितीय श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति लगभग 2 वर्ष से नहीं हो पा रही है, उसे अति शीघ्र करवाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में ऐच्छिक आधार पर लिया जाए। बैठक में सभा अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश कटारा, नवनीत त्रिपाठी, मांगीलाल शर्मा, नीरज शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, मनोज त्रिपाठी सहित सभी शाखाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित रहे। बजरंग दल ने मनाई क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर बजरंग दल धौलपुर ने आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बजरंग दल नगर संयोजक नरेश कुशवाहा ने बताया कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर धौलपुर मंदिर प्रांगण में सोमवार दोपहर 2 बजे से भारत माता और वंदे मातरम के नारों के साथ 2 मिनट मौन रहकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हम अपने आदर्शों को एवं राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर पुरुषों को भूलते जा रहे हैं। जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष करते हुए इस भारत की आजादी के लिए जो त्याग और संघर्ष किया, आज के समय में हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। हम सब युवा ऐसे राष्ट्र भक्त वीर पुरुषों के जीवन को आदर्श मानते हुए उनके कदमों पर चलकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। हम लोगों को उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके कदमों पर चलकर उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए अपना समर्पण करें। कार्यक्रम में जिला मिलन प्रमुख दीपक चौधरी, विकास शर्मा, रविंद्र प्रजापति, सुमित सक्सेना, अभिषेक निषाद, राजू निषाद, योगेश शर्मा, दीपक राजोरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नामांकन वापस लेने के बाद 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 2023-24 के नामांकन वापस लेने के बाद 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अभिभाषक संघ के निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी अमित कमठान ने बताया कि नामांकन वापस लेने के बाद कोषाध्यक्ष पद पर रिजवान अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विमल कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर पंकज श्रीवास्तव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।
तथा 5 पदों पर 3 मार्च को चुनाव संपन्न होगा। अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार जैन, गौरव शर्मा व हरिशंकर मुद्गल के मध्य मुकाबला होगा। वहीं उपाध्यक्ष पद पर महेश ठाकुर व विजय सिंह शर्मा, महासचिव पद पर शांतनु कुमार शर्मा व सतीश शर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर चंद्रशेखर व संतोष कुमार, ऑडिटर पद पर कुमारी नीरज व अजय गौड़ के मध्य चुनाव होगा। निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद तीनों प्रत्याशियों का अभिभाषक संघ द्वारा माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। न्यायालय परिसर में ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाला गया। अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, महासचिव सुबोध शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, विकास शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, हरिओम शर्मा, कुसुमाकर गर्ग, दाऊदयाल शर्मा, मुकेश भट्ट, आरिफ हमीद खान, रामदत्त श्रोतीय, हरिशंकर मुद्गल, निशांत भार्गव, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, पूजा शर्मा आदि शामिल रहे। 2023-24 के धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव की आज अंतिम तिथि थी फार्म वापस लेने की, जिसमें नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, अनिल कुमार जैन, गौरव शर्मा और हरिशंकर मुद्गल। उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, महेश ठाकुर और विजय सिंह शर्मा। महासचिव पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, शांतनु कुमार शर्मा और सतीश शर्मा। पुस्तकालय सचिव के लिए केवल 2 उम्मीदवार मैदान में, चंद्रशेखर और संतोष कुमार गुर्जर। ऑडिटर के लिए केवल 2 उम्मीदवार हैं, कुमारी नीरज और अजय गौड़। संयुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है विमल कुमार शर्मा का, कोषाध्यक्ष पर रिजमान अहमद का और पंकज श्रीवास्तव का। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक में सरकार से मांग रखने का लिया निर्णय। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन SN कॉलेज धौलपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय मोहन सिंह सिकरवार ने की। मुख्य अतिथि महेश चंद्र शर्मा संभाग भरतपुर, विशिष्ट अतिथि रमा शंकर शर्मा, देवेश प्रसाद शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बैठक की रूपरेखा सभी के समक्ष रखते हुए सभी विषयों पर गहन विचार के बाद सरकार से मांग रखना तय किया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र से शीघ्र किए जाए। द्वितीय श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति लगभग 2 वर्ष से नहीं हो पा रही है, उसे अति शीघ्र करवाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में ऐच्छिक आधार पर लिया जाए। बैठक में सभा अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष जय प्रकाश कटारा, नवनीत त्रिपाठी, मांगीलाल शर्मा, नीरज शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, मनोज त्रिपाठी सहित सभी शाखाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित रहे। स्कूल की पट्टी टूटी, बड़ा हादसा टला। बसे नवाब कस्बा के समीप ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव बज्जरगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर की पट्टी अचानक टूटकर नीचे आ गिरी, जिसे रसोई घर में पोषाहार बनाने के लिए रखा गैस चूल्हा सहित अन्य खाद्य सामग्री मलबे में दबने से काफी नुकसान हो गया। इस दौरान गनीमत ये रही कि हादसा रात को हुआ, नहीं तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बज्जरगढ़ का जैसे ही गेट खोला और रसोई गेट खोलने पर पता चला कि रसोई में पट्टी टूटी पड़ी है। गांव वालों ने आके बताया कि रात में बहुत तेज आवाज के साथ पट्टी टूटी। ये पट्टी रात में टूटी, यदि दिन में टूटती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। तेल की कट्टी, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटा नहीं है, टूट गया, नुकसान हो गया और रसोई गैस चूल्हा खराब हो गया, फर्श खराब हो गया और बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं कुशवाहा, संस्था प्रधान राजकीय प्राथमिक विद्यालय बज्जरगढ़।
अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की। आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी घंटाघर के पास, धौलपुर। विद्युत ठेका कर्मचारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष जोश सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में लौंगपुर पहाड़ धौलपुर पर हुई, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत ठेका कर्मचारियों को परमानेंट करने पर जिला धौलपुर के विद्युत ठेका कर्मचारी संघ ने प्रसादी का वितरण किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर से विद्युत ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कदीर खान, शाहरुख खान, वसीम, विनोद, बॉबी शर्मा, समय सिंह, विनोद, रामू, दिनेश, प्रदीप, इमरान खान आदि विद्युत ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। लोहे के सरिये से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी, नीचे दबने से एक घायल। धौलपुर जिले के वसई नवाब कस्बा के समीप खेरागढ़ सैपू सड़क मार्ग पर सोमवार देर शाम को लोहे के सरिये से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली एक साइड झुकाव होने से देखते ही देखते बीच सड़क पर पलट गई, जिसे ट्रॉली में सवार एक व्यक्ति लोहे के सरिये से भरी ट्रॉली के नीचे दब गया। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो तत्काल ही काफी तादाद में लोग एकत्रित हो गए और मौके पर जमा भीड़ ने लोहे के सरियों के नीचे दबे युवक को काफी देर कड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीणा पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में पड़े युवक को तत्काल ही इलाज के लिए निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो के लिए भेजा गया। बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर चालक शेरा और ट्रॉली में सवार युवक बनवारी पुत्र जौहरी लोधा निवासी रजोरा कला सैपो खेरागढ़ से ट्रॉली में लोहे का सरिया भरकर सैपो की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान गांव पिपहेरा के खोरपुरा मंदिर के आगे ट्रैक्टर की ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबने से बनवारी लोधा के हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई है। विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का होगा आयोजन, एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। राजाखेड़ा में 1 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज सोमवार को उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने पंचायत समिति सभागार में बैठक ली, जिसमें बताया कि 1 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी 2023 को उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, सभी विभागीय कर्मचारियों एवं ई मित्र संचालकों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
उपखंड अधिकारी ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसे करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को लेकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बाद सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने बताया कि गोल्डन आवर्स में घायल को चिकित्सालय पहुंचाने में हमें अपनी महती भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि आप घायल को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करते हैं तो आपसे ना तो चिकित्सालय विभाग द्वारा और ना ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ की जाएगी जब तक आप स्वयं ना चाहो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में आमजन के सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए गुड सैमरिटन अच्छा मददगार के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए चिकित्सालय में पंजीयन कराया जा सकता है। महाविद्यालय प्रबंधक ब्रिजेश कुमार त्यागी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा गुड सैमरिटन के लिए प्रोत्साहन राशि की जो शुरुआत की गई है, इससे लोगों में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मदद करने में प्रेरणा मिलेगी। परिवहन विभाग के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के महाविद्यालय विद्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को लेकर लोगों में जागरूकता कार्य किया जा रहा है। समारोह में महाविद्यालय के बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा द्वारा जवाब दिया गया। LIC के अधिकारियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने शहर के एक निजी विद्यालय धौलपुर में पहुंचकर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधक संतोष सक्सेना ने स्कूल के विद्यार्थियों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्लासेस के छात्र छात्राओं को उनके प्रदर्शन के अनुरूप सम्मानित करते हुए पुरस्कृत भी किया। उन्होंने विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं से उनके भविष्य को लेकर संवाद करते हुए बीमा का जीवन में महत्व को समझाया। मुख्य अतिथि सक्सेना ने कहा कि सभी बच्चों को आगे चलकर देश सेवा के साथ अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे बड़े होने पर छात्र छात्राओं को जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा। इस दौरान जिम्मेदारियों के बोझ तले उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं भी आएंगी, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए बीमा कराना अनिवार्य हो जाएगा। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ ही मुख्य अतिथि ने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में अपनी अपनी क्लासों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले यश श्रीवास्तव, प्रिंस गुर्जर, प्रशांत गुर्जर, ऋतु गुर्जर, आर्य नरवार, पंकज भगेल, संध्या गुर्जर, अनस खान, हर्षिता और प्रशांत पोसवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल संचालक अरविंद सिकरवार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। दूल्हे के पिता से रुपए व गहनों से भरा बैग गिरा। धौलपुर जिले के संडपुरा निवासी साहब सिंह पुत्र महाराज सिंह सरपंच के पुत्र की 22 फरवरी को शादी थी। बारात ले जाते समय दूल्हे के पिता के हाथ में एक बैग था, जो जल्दबाजी में हाथ से कहीं छूट गया, जिसमें 7 तोला सोना तथा करीबन 85,000 रुपए बैग में रखे थे। बारात संडपुरा से भरतपुर पहुंचने पर जब गहने और पैसों की जरूरत पड़ी तो बैग को गाड़ी में देखा तो बैग नहीं मिला। घटना के बाद सभी बारातियों में बैग चर्चा का विषय बन गया,
काफी तलाशने के बाद भी बैग नहीं मिला। दूल्हे के पिता ने बताया कि रास्ते में पूरा मौलोनी समाधि गांव के आसपास अन्य बारातियों के इंतजार में गाड़ी रोकी गई थी, उसी दौरान वहां बैग छूट गया। खोया हुआ बैग किसी भी ईमानदार व्यक्ति को मिला हो तो उसकी सूचना मोबाइल नंबर 7042483477 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति को बैग स्वामी की ओर से उस ईमानदार व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने किया 2 वर्षीय बच्चे के लिए रक्तदान। पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने की सराहना। जिला अस्पताल धौलपुर में 2 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा भर्ती है, जिसको ओ पॉजिटिव ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए ब्लड बैंक कर्मचारी लैब टेक्नीशियन अजीत तोमर ने तुरंत रक्तदान करते हुए अपनी राजकीय सेवा के साथ साथ मानव धर्म का परिचय दिया, जिसकी पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार सहित अन्य चिकित्सकों ने सराहना की है। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी शिशुपाल शर्मा ने बताया कि ब्लड बैंक के स्टाफ विगत दिनों से लगातार पीड़ित व असहाय मरीजों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती कमलेश नामक महिला मरीज को ए पॉजिटिव ब्लड की अति शीघ्र आवश्यकता थी, जिसके लिए टीम विवेक सिंह बोहरा के प्रमुख सदस्य सोनू नेताजी ने सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक पहुंचकर पीड़ित महिला के लिए रक्तदान किया। इस अवसर पर लैब टेक्नीशियन मोहसिन खान, ब्लड बैंक प्रभारी शिशुपाल शर्मा, अजीत तोमर, अंशिका अग्रवाल, पवन कुशवाहा, शिव गणेश शर्मा, अरुणा राजपूत, जयपाल आदि मौजूद रहे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र संघ कार्यालय में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने उनकी प्रतिमा पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर किया एवं उनके जीवन के बारे में बताया। इस मौके पर सह आचार्य महत्तम शर्मा, सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित, हेमलता मीणा, श्वेता डूडी, वरिष्ठ सहायक शैलेंद्र वर्मा, कनिष्ठ सहायक राहुल गर्ग, विजय राणा, मयंक चौधरी, लोकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।